ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुं सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयरियौ वच्छाय साहुगणे वंद्य सम्मदंसन चरितलद्धिं परुहे मोहं। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद जी ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। पंडित टोडरमल जी ने उसी के आधार से, जो संस्कृत टीका के आधार से, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, और अब हम उसको हिंदी अनुवाद को हम यहाँ देख रहे थे। एक शपक श्रेणी की अपनी बात आरंभ हुई है, तो हमने देखा था सबसे पहले तीन करण परिणाम होते हैं। अधकरण जो अप्रमत्त गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में होता है, और उसके कारण वहाँ उसको सातिशय अप्रमत्त कहने में आते हैं। अधकरण में हमने चार बातें देखी थी, क्या होता है एक जीव की अपेक्षा, क्या क्या बातें होती उसको देखना है कि जीव की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती चली जाती है। उसी के फलस्वरूप क्या हो रहा है, स्थितिबंध हर अंतर्मुहूर्त में घटता घटता होता है, उसको कहेंगे स्थितिबंधापसरण। अनुभाग में क्या विशेषता होती है, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ चतुस्थान रूप होता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ द्विस्थान रूप होता है। उसके पश्चात अपूर्वकरण गुणस्थान, जो आठवां गुणस्थान है, अपूर्वकरण परिणाम है, वहाँ अपूर्वकरण गुणस्थान का भी नाम है, तो वहाँ और चार बातें चालू हो जाती हैं। कौन सी चार बातें होती हमने देखा था, हाँ, गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। ये सारे शब्द हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है ना। देखो, हमें चलने की इतनी आदत नहीं है, फिर भी हम शिखर जी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, डोली में बैठकर भी जाके आए, बिल्कुल, क्यों? अरे वहाँ से इतने जीव सिद्ध हो चुके हैं और वहाँ जाते हैं तो उनका स्मरण आता है। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, जो जो सिद्ध हो चुके हैं वो क्षपक श्रेणी चढ़ के तो हुए हैं, तो वहाँ क्या क्या पुरुषार्थ हुआ था, वो तो अपने में लीन थे, मगर कैसे कैसे कर्म नष्ट हुए, क्या इसको देखने की रुचि नहीं है? बस वो सिद्ध हो चुके, हमने नमस्कार किया, ऐसा चलेगा? क्रिकेट देखते समय तो ऐसा नहीं होता है, अरे कौन सी पार्टी जीती इतना तो शाम को तो पता चल जाएगा, नहीं, पूरे दिन में देखा, फिर हाईलाइट देखेगा, फिर उसकी न्यूज़ में और देखेगा, एक दूसरे के साथ चर्चा भी उसकी होगी, वहाँ तो कभी ऐसा नहीं लगता कि ये विकल्पों से अभी बस था, विकल्प कभी याद आते हैं, यहाँ जो कर्मों की थ्योरी पढ़ते हैं तभी ऐसा लगता है, अरे ये विकल्प नहीं चाहिए अपने को, ख्याल में आते हैं ना। तो ये सिद्ध हुए हैं, तो सिद्ध हुए तो क्षपक श्रेणी में क्या क्या बातें हुई थी और कैसे हुई थी, ये सहज रूप से हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया कर्मों में, फिर भी ये सहज रूप से होती रहती है। तो जब इसकी पक्की गारंटी की, जो अपने स्वरूप में बस आनंद का मजा ले रहा है और वहाँ कर्मों में इतनी सारी उथल पुथल हो रही है, तो जीव को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता है, कर्म में उसकी कुछ नहीं चलती है, वो अपने में स्थिर रहता है, तो वो सारे जो बंधे हुए वो भी निर्जरा होकर चले जाते हैं, नए बंध भी ऐसे कम हो जाते हैं, अनुभाग का भी अप्रशस्त कर्मों में इतना घटना होता है, स्थिति भी सभी की घट जाती है। यानी ये सारा ही जो अभी मोक्ष के प्रति आरूढ़ है वो उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो श्रेणी में इतनी सारी बातें हो रही है। पहले भी जहाँ जो होती वो हम देख के आए, समय तो होता है तो क्या होता है, श्रेणी में उपशम श्रेणी में क्या होता है वगैरह वगैरह बातें हमने देखी थी पूर्व शिविरों में।
अभी तो हमारा विषय तो क्षपक श्रेणी का है, तो यहाँ क्या क्या बातें होती है उसको भी हम यहाँ देख रहे हैं। थोड़े प्रश्न लेके चलेंगे आगे, क्योंकि क्या है, कोई नया विषय सुनते हैं या कोई चर्चा आती है तो प्रश्न भी बहुत सारे उठते हैं। एक प्रश्न के पूर्व विधि क्षपक श्रेणी चल रहा है, तो ज्ञानावरण के इतने अनुभाग कांडक हो रहे हैं, तो ज्ञान बहुत बहुत खिल रहा है, कैसे समझे? यानी बाहर आके कुछ किसी को सिखाता नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहा है? यह जीव तो पहले ही पूर्वविद है, प्रश्न उनका क्या है? पहले ही ज्ञानावरण का इतना तो अनुभाग घटके उदय में आ रहा है, परंतु हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुभाग कांडक कहत के द्वारा सत्ता में पड़ा हुआ ज्ञानावरण का खंड हो रहा है। उदय में तो हिंद रूप से उदय में आ रहा है। देखो देखो, अभी जब हम स्थिति कांडक घात देख रहे थे, हम देखें ये अब चार्ट पर देखना, स्थिति कांडक घात में हमने क्या देखा था? यहाँ पर स्थिति कांडक घात में हम क्या देख रहे थे? यहाँ पर, यहाँ तो स्थिति घटती थी। हमने पहले अनुभाग की चर्चा करते हुए क्या देखा था? ये प्रत्येक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट तक अनुभाग पड़े, प्रत्येक निषेक में। अब अनुभाग कांडक होगा तो क्या होगा? मान लेते ना, इस बाजू सारे उत्कृष्ट अनुभाग वाले स्पर्धक पड़े और यहाँ सारे जघन्य अनुभाग वाले, तो सत्ता में का अर्थ थे सारे ही निषेकों में से जो अधिक अनुभाग वाले जो है स्पर्धक, उनका अनुभाग घटकर वो कैसे हो जाएंगे? हीन अनुभाग जैसे हो जाएंगे सभी निषेकों में से। इसको कहेंगे अनुभाग का घटना, अनुभाग कांडक घात। ख्याल में आते हैं ना? ये जो जो अनुभाग उत्कृष्ट की ओर के जो जो अनुभाग पड़े थे सभी प्रत्येक निषेक में, वो सारा ही अनुभाग घटकर वे ही परमाणु हीन अनुभाग वाले स्पर्धक जैसे हो जाएंगे, उसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। और स्थिति कांडक घात में वो ऊपर बाद में उदय आने वाले जो थे उनका सारा घात होकर ये पूरा का पूरा टॉप से, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ बाकी है, ख्याल में, ऊपर से लेकर यहाँ तक के सारे निषेक उसका घात होकर वो नीचे आ रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं बाकी, नहीं तो बीच में गैप होगा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई गैप बिप नहीं हो रही है। अपर मोस्ट जो पार्ट है उसका टुकड़ा होकर एक अंतर्मूर्त में सारे नीचे आते हैं, इसको कहा था हमने स्थिति कांडक घात। उसी समय में इन सभी निषेकों में जो उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा था उनका वो स्पर्धक नष्ट होकर वो हीन अनुभाग रूप परिणमित होते, अपने अपने निषेकों में रहते हुए उनका अनुभाग घटते चले जाता है, इसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। वो किस में होगा? अप्रशस्त प्रकृतियों में। ख्याल में आई बात? और ये सत्ता में पड़े हुए अनुभाग की बात है। उदय रूप कैसे होता है उस चर्चा आएगी उदय की, जब तभी करेंगे। दूसरा प्रश्न एक है, गुण संक्रमण में गुणित रूप में जो परमाणुओं का संक्रमण होगा उन परमाणुओं का अनुभाग कौन सा होगा? देखो संक्रमण का अर्थ क्या हो रहा है वो अन्य, देखो संक्रमण अनुभाग में भी होता है और संक्रमण प्रकृति में भी होता है। यहाँ तो हम प्रकृति की बात है, कौन सी प्रकृति किस रूप परिणमित हो रही है, तो इसमें बंध की आवश्यकता होती है। किसमें संक्रमित होते हैं? बंधने वाले में संक्रमित होते हैं। और उसका अनुभाग भी कैसा होगा? अब जो प्रशस्त रूप हो रहे हैं तो उसका जैसा अनुभाग में जैसा प्रशस्त उनका अनुभाग प्रति समय बढ़ रहा है, वो प्रशस्त रूप हो जाएगी तो उसका अनुभाग भी वैसा बढ़ जाएगा। अगर वो संक्रमित नहीं होती है, अप्रशस्त रूप से रहती है, तो उनके अनुभाग कांडक घात हो जाएंगे। ख्याल में आती है ना बात? तो वहाँ यथा योग्य उसका प्रकृति तो संक्रमित हो ही हुई, उसका अनुभाग भी यथा योग्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विशुद्धि बढ़ रही है तो प्रशस्त कर्मों का अनुभाग भी बढ़ रहा है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अनुभाग भी बढ़ रहा है, है ना? जब प्रकृति कहते हैं तो बस प्रकृति को लेना, जब अनुभाग की बात करते हैं तो अनुभाग को लेना, वो हीन अनुभाग हो या अधिक अनुभाग हो, प्रकृति अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होते हैं तो वो पर प्रकृति रूप यानी जो असाता है वो साता रूप हो जाएगी, तो साता का वहाँ जो अनुभाग बंद हो रहा है वैसा बंद कुछ परमाणु में उतने, हर एक पूरा का पूरा लॉट एक रूप नहीं होता है, प्रत्येक परमाणु में हीनाधिक जो है उस हिसाब से उसका संक्रमण भी उसका उस अनुभाग में होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन था? हला हला सादा, अच्छा ठीक है। क्या है इसमें इतनी विशेषताएं हैं एक एक विषय में, अकेले संक्रमण पर एक पुस्तक है,
जितना पढ़ो उतना कम है, हमारे पास समय कहाँ है, है ना। बाकी सब दुनियादारी करने के लिए बहुत समय हमारे पास, क्या करें। देखो जैसे हमने देखा था ये स्थिति का जो कांडक होता है एट ए टाइम, वो कांडक कितना होता है। देखो कोई जीव ऐसा है कि पहले वो तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतर के फिर उसने क्षपक श्रेणी चढ़ी है, तो वहाँ पर भी उसने बहुत सारा कर्म घटाया है। कोई जीव ऐसा है कि उसने यानी क्षायिक सम्य दर्शन प्राप्त करके ही श्रेणी चढ़ेगा, तो वहाँ पर भी स्थिति बहुत घटाई है। यानी स्थिति में जब उसने श्रेणी में आरूढ़ हुआ था तो किसी की स्थिति स्थिति सत्व किसी का कम था किसी के अधिक था। जिसका स्थिति सत्व बड़ा होगा उसका कांडक भी बड़ा होगा। जिसका स्थिति सत्व शुरू में ही थोड़ा कम है उसका कांडक भी छोटा होगा, क्योंकि जाके अनिवृत्तिकरण के दूसरे स्थिति कांडक में सबकी स्थिति भी समान होने वाली है, सबके कांडक भी समान होने वाले। सुनिश्चित एक एक समय का परिणाम जुदा जुदा, यानी हर एक जीव का सबका अनुभव सबका स्थिति सब कुछ समानता के लेवल पर जाके पहुंचने वाला है। इसलिए अभी ही ना दिखता होगी उसमें, परंतु कांडक का प्रपोर्शन जितनी स्थिति है उसके अनुसार उसका कांडक भी छोटा छोटा होता चला जाएगा और छोटे छोटे काल में वो कांडक भी होगी। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यानी जब स्थिति में तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण निषेकों का घात होता है और अनुभाग कांडकों में अनंत स्पर्धकों का घात होता है, तो सत्ता में कितने अनंत हो गए आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि स्थिति कांडक घात होने के लिए जितना अंतर्मुहूर्त लगता है, देखो सुनो ये बात बराबर, मान लेते हैं ना 100 समय मानने के लिए, होते तो असंख्यात परंतु 100 समय मान लेते हैं, तो जब एक स्थिति कांडक घात पूरा होता है उतने ही काल में संख्यात हजार अनुभाग कांडक घात होते हैं। मान लेते ना 100 समय में एक स्थिति कांडक घात हुआ तो उसमें 5-5 समय का अनुभाग कांडक घात, अनुभाग कांडक घात के लिए 5 समय मानो तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे ना। और वहां तो कितने होते संख्यात हजार यानी हजारों। एक स्थिति कांडक घात को लिए जितने समय लगते हैं उतने ही समयों में हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं। फिर दूसरे स्थिति कांडक घात के समय में वहाँ पर और हजारों कांडक घात होते हैं। यानी अनुभाग कितना घटता होगा आपको इमेजिन कर सकते हैं। ये सहज रूप से ऐसी बातें होती है, तो यह अपूर्व करण से ही ये स्थिति कांडक घात भी होते रहते हैं। ऐसे स्थिति कांडक घात भी हजारों होते हैं और एक एक स्थिति कांडक घात के काल में हजारों हजारों अनुभाग कांडक घात होते रहते हैं। और एक अनुभाग कांडक घात हुआ तो अनंत उत्कृष्ट की ओर से अनंत स्पर्धकों का घात होकर वो हीन अनुभाग रूप परिवर्तित हो जाते सत्ता में पड़े पड़े। यहाँ तक हमने बात देखी थी। अब जा क्या होता है यहाँ पर उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे पुस्तक के आधार से। ये पेज नंबर है अभी यहाँ पर 272 पर आना, वैसे भी 270 पेज पर आपने जो पूछा था ना यहाँ स्थिति बंद कितना होता है, तो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है 407 की टीका में, अपूर्व करण के प्रथम समय में स्थिति बंद अंतह कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है जो पृथक्त्व लक्ष्य कोड़ी सागर है। देखो क्या कहते हैं, कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ क्या है, करोड़ गुणा करोड़। अंतह कोड़ा कोड़ी का अर्थ क्या होगा, करोड़ गुणा करोड़ है ना, तो उसमें एक करोड़ को ऐसे रखो और दूसरे करोड़ को कुछ लाख बनाओ। मान लेते ना 80 लाख इंटू करोड़, उसको क्या कहेंगे, अंत कोड़ा कोड़ी। 60 लाख इंटू करोड़, वो भी अंत कोड़ा कोड़ी। 20 लाख इंटू करोड़, वो भी अंत कोड़ा कोड़ी, पर वो कैसा है, घटता हुआ है। ऐसे ही यहाँ समझना, पृथक्त्व का अर्थ होते कुछ गिने चुने, तो कुछ लाख करोड़ यहाँ का सागर जो यहाँ का स्थिति बंद हो जाता है। ये तो हमने स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक भी यहाँ 271 पेज पर यहाँ नीचे देखा था कि अप्रशस्त प्रकृतियों में ही अनुभाग कांडक होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, तो 272 पेज में आना, अपूर्व करण यानी 8वें गुण स्थान में ये सारी बातें शुरू हुई थी। जो अधकरण की चार बातें वो तो होती ही होती है, इन एडिशन ये चार बातें और शुरू हो गई है।
ऐसे करते 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 कुछ उसका भाग बीत गया तो वहाँ क्या होता है, तो उसको कहते संख्यात हजार स्थितिबंध अपसरण होने पर कहो या स्थिति कांड घात होने पर, क्योंकि सेम काल लगता है। तो यहाँ तो अपूर्वकरण गुणस्थान के समान सात भाग करेंगे, उसका एक भाग बीत गया तो उतने भाग में कितने स्थिति कांड घात हो गए, संख्यात हजार यानी हजारों। तो अनुभाग कांड घात कितने हुए होंगे, उससे भी हजारों गुना करो तो उतने होंगे। तब जाके क्या होता है, तो कहते यहाँ तक तो निद्रा और प्रचला का बंद होता था, अब उसका बंद रुकेगा। ख्याल में आती बात, तो देखो यहाँ कहते हैं और वो हर समय बंद हो रहा था उसका, अभी वो बंद रुकने वाला है। तो अपूर्वकरण के काल के समान सात भाग करके, पेज नंबर 272 410 की टीका, तीसरी लाइन उसकी टीका की, कि अपूर्वकरण गुणस्थान का जो अंतर्मूर्त काल है उसके अगर हम सात भाग करते हैं तो उसमें से एक भाग अभी पूर्ण हुआ। वहाँ प्रथम भाग के अंतिम समय में निद्रा प्रचला इन दोनों के बंद की विच्छित्ति होती है। अभी तक तो निद्रा प्रचला और चार दर्शनावरण वो सभी छः बनते थे, उसमें से निद्रा और प्रचला का बंद यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं है। यहाँ ही निद्रा और प्रचला का द्रव्य गुण संक्रमण विधान द्वारा, हमने क्या देखा था, जिसका बंद रुक गया है नहीं होता, उसका संक्रमण वहाँ बंधने वाले सजातीय में होता है। यह अति अप्रशस्त है। अभी वैसे चक्षु अचक्षु दर्शनावरण प्रशस्त नहीं कहेंगे, घाती कर्म है, परंतु कंपेरिटिवली वो बंधने वाले में संक्रमित होते हैं। तो बध्यमान यानि बंधने वाली स्वजातीय, देखो ये तो निद्रा प्रचला ये दर्शनावरण के भेद है, उसका संक्रमण ज्ञानावरण में नहीं होगा, दर्शनावरण में। कौन से दर्शनावरण में, यहाँ बंधने वाले में। तो अभी निद्रा प्रचला का बंध रुक गया तो यहाँ कौन सा बंध हो रहा है, अभी चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शन, उसमें उसका संक्रमण होगा। कौन सा संक्रमण, गुण संक्रमण। इसके पश्चात संख्यात हजार स्थितिबंध होने पर उसके छठवें भाग के अंतिम समय में, हमने सात समान भाग किए थे, पहला भाग के अंतिम समय तक निद्रा प्रचला का बंध है, वहीं पर उसकी विच्छित्ति कहते हैं। विच्छित्ति ने जो बंद नहीं होगा तो नेक्स्ट समय से, पर कहाँ हुआ कहेंगे, अंतिम समय में हुआ कहेंगे, नहीं समझे। हम यहाँ देवलाली में इकट्ठे हुए हैं, आप कहाँ से आए, दिल्ली से, आप कहाँ से आए, बेंगलोर से, आप कहाँ से आए, वाशिम से, हमारी बहन लंदन से आए, हमारी बहन वो अमेरिका से आए, कौन कौन आए ना ये सब, आप कहाँ से आए, नागपुर से आए। तो हम आपको पूछेंगे शिविर के बाद, हम कहाँ बिछुड़े, देवलाली में तो साथ थे, बिछुड़े कहाँ। क्या कहते, जहाँ हम साथ थे लास्ट, उसके बाद हम बिछुड़ गए हैं, बिछुड़ कर अपने अपने रास्ते पर ट्रेन में बैठकर अपने अपने दिशा में चले गए, तब खरेखर बिछुड़ना कहना था, पर कहाँ बिछुड़े, देवलाली में। ऐसा ही जहाँ अंतिम बंद है वहीं पर विच्छित्ति हुई, ये कहने की पद्धति है। ख्याल में आती बात, तो ये विच्छित्ति होती ना अभी छठे भाग के अंतिम समय में क्या हो रहा है, देखिए अभी यहाँ जो यहाँ बंधने वाली जो प्रकृतियाँ कौन सी, देवगति वगैरह, हमने बंध विच्छित्ति में आपको 36 प्रकृतियाँ गिनाई थी, पहले भाग में दो निद्रा प्रचला, छठे भाग में 30 और लास्ट में वो हास्यरती बहिजगुप्सा, चार। ये जो 30 प्रकृतियों के यहाँ नाम दिए हैं, देखो इसको अभी हम पढ़ेंगे। देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय तेजस आहारक और कारमान शरीर, समचतुरस संस्थान, वैक्रियक और आहारक अंगोपांग, वर्णादि चार, देवानुपूर्वी ने देवगत्यानुपूर्वी, अगुर लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय निर्माण और तीर्थंकर। यहाँ तो यशस कीर्ति भी बनती है पर उसके बंद रुक नहीं गया है, उसका बंद चालू रहेगा। इन प्रकृतियों का बंध यहाँ रुक गया है।
इन 30 प्रकृतियों के बंद की विच्छित्ति होती है, ये हमने पहले भी देखा था और यहाँ तो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके पश्चात अभी सातवें भाग में भी कितने स्थिति मंदापसरण हो गए, कितने स्थिति कांडघात हो गए, तो हजारों, क्योंकि 31 प्रकृतियाँ बंद रही थी क्योंकि यशस कीर्ति भी बंद रही है। अब उसमें से 30 प्रकृतियों का बंध रुक गया, अभी नाम कर्म की एकमात्र यशस कीर्ति इसके आगे बनती रहेगी। नाम गोत्र का बंध कहाँ तक है? 10वें तक है ना, 10वें तक तो है, वहाँ यशस कीर्ति अकेली बंध रही है। यहाँ 31 बंध रही थी नाम कर्म की, उसमें से 30 का बंध यहाँ रुक गया, केवल यशस कीर्ति का बंध यहाँ चालू है। तो संख्यात हजार स्थितिबंध होने पर अपूर्वकरण के अंतिम समय में हास्य रति भय जुगुप्साई चारों के बंध की विच्छित्ति होती है। तो पहले दो, बीच में 30 और अभी ये चार, टोटल कितने हुए? 36 प्रकृतियों की इस आठवें गुणस्थान में बंध की विच्छित्ति हुई। पहले बंधा हुआ है वो सत्ता में है, अभी उसकी चर्चा नहीं है, नया बंधना अभी रुक गया है। और यहाँ ही यानी इसी अंत समय में 6 नौकषायों के उदय की विच्छित्ति होती है। ये हमने उदय की विच्छित्ति के प्रकरण में देखा था, यहाँ आठवें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होती है ना, चार्ट में कितने लिखा है? 6 लिखा है ना, कौन से 6? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इनका उदय यहाँ तक है, इससे आगे नहीं है। जहाँ ऊपर के समय संबंधी भाव सर्वदा नीचे के समय संबंधी भावों के समान नहीं होते, अपूर्व करण किसको कहना है? कि एक एक समय के जो परिणाम है, कोई एक समय का परिणाम दूसरे समय के किसी परिणाम के साथ समान नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अपूर्व करण, उसका नाम है अपूर्व करण। अब वो समाप्त होने के नेक्स्ट समय में, अनंतर समय में क्या होता है कि अनिवृत्तिकरण परिणाम शुरू होते हैं, उसी का नाम है ये नौवा गुणस्थान अनिवृत्तिकरण, जिसका नाम है क्षपक अनिवृत्तिकरण की बात यहाँ हो रही है। देखो अभी उसकी बात हम यहाँ 273 पर पढ़ते हैं। देखो अनिवृत्तिकरण का अर्थ होता है अने नहीं है, निवृत्ति ने भेद, यानी जिसमें परिणामों में कोई भेद नहीं है, ऐसा ही गुणस्थान है। यहाँ के प्रत्येक समय में एक ही सुनिश्चित परिणाम है, जो अनंत जीवों में आज तक किया है, अभी जो कर रहे वर्तमान में और जो कोई भविष्य में करने वाले हैं, सब मिलकर जो अनंत जीव है उनका ये प्रत्येक समय का परिणाम सुनिश्चित है, जिसको हम अभिभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे तो उनकी विशुद्धि की अपेक्षा ये समानता है। समानता किस में लेना? ये विशुद्धि में। पर ये हो सकता है कोई क्रोध के उदय के सही चल रहा है, कोई मान के, कोई माया के, कोई लोभ के, वो हो सकता है डिफरेंस, ख्याल में आती है ना बात, उसमें डिफरेंस होगा। जीवों के आवहाना में डिफरेंस होगा, जीव के संस्थानों में डिफरेंस होगा, अवगाहना समझते हैं? हाँ शायद, जैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनकी कितनी थी अवगाहना? 500 धनुष, और अंतिम महावीर 7 हाथ, तो उनके परिणाम अनिवृत्तिकरण में समान हुए होंगे कि हीनाधिक हुए होंगे? ख्याल में आती है ना बात, यानी उसे अवगाहना से कोई मतलब नहीं, कौन सा योग वाला है, मनोयोग है कि वचन योग है, कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये किसमें समानता है? ये जो विशुद्धि के परिणाम है उसमें उनकी समानता है। तो यहाँ जो सारे प्रोसेस हो गए, जितनी अभी कट डाउन होने के बाद स्थिति शेष रहेगी, जितना कांडक का प्रमाण होगा, जितना कुछ बंद होगा, सभी जीवों के लिए अभी सभी कुछ समान यहाँ पर हो जाएगा। अभी तक तो असमानता हो सकती है क्योंकि पहले से ही किसी जीव ने अधिक स्थिति के साथ उसने आरंभ किया था, किसी के थोड़ी कम स्थिति थी, तो उसमें तो अभी तक तो कांडक वगैरह हीनाधिक थे, परंतु अभी इसके आगे ऐसे कांडक होते होते ऐसे स्टेज पर आ गए हैं कि अभी सभी की समानता हो जाने वाली है। अब यही हम देखते हैं पेज नंबर 273, 273 वे अभी हम यहाँ देखते हैं। ये अनिवृत्तिकरण की बात अभी हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ये स्थिति कांडक की बात तो हो गई, अभी यहाँ पढ़ेंगे पहले पेज नंबर 273। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अन्य ही स्थिति खंडादि, स्थिति खंडादि हमने क्या क्या देखे थे?
स्थिति कांड घात होता है ना, तो उसका आयाम अभी बदलेगा। क्यों? जितनी स्थिति कम हो रही है वो कांडक का प्रमाण भी छोटा होगा, आयाम है ना, लंबाई कांडक की वो छोटी हो जाएगी। तो अन्य ही ने पहले जितना था उससे यहाँ का आयाम बदलेगा। अनुभाग कांडक आयाम, जितने स्पर्धक जो नष्ट होने वाले हैं उसका अनुभाग घटने वाला है, उसका भी आयाम बदलेगा। और स्थिति घटकर होगा, जितना स्थिति सत्व था उससे भी कम यहाँ का स्थिति बंद होगा। तो कहते यहाँ नया प्रारंभ होगा। ये कहाँ शुरुआत हो रही है? अनिवृत्तिकरण के पहले समय से। वहाँ अपूर्वकरण के अंतिम समयवर्ती से अन्य ही पल्य के संख्यात्वे भाग मात्र तो स्थिति कांडक आयाम होता है। देखो पहले भी पल्य का संख्यात्वा भाग कहा, अब भी संख्यात्वा भाग कह रहे हैं, परंतु वह संख्यात्वे संख्यात्वे में भी चेंज होगा। और इसके पश्चात अवशेष रहे अनुभाग का अनंत भूभाग मात्र अन्य ही अनुभाग कांडक घात होता है। देखो यहाँ उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण में वेरिएशन है, क्योंकि जितनी स्थिति घटती चली जाती है वो कांडक छोटे छोटे होते चले जाते हैं। और अनुभाग में भी जितना घटकर जितना शेष है फिर उसमें से कुछ स्पर्धक नष्ट हो गए, तो यहाँ नए नए कांडक वहाँ होते चले जाएंगे, ये यहाँ कहना चाहते हैं। और अपूर्वकरण के अंतिम समय संबंधी स्थितिबंध से, स्थितिबंधक में भी कटौती होगी, अपसरण होगा, तो पल्ले के संख्यात्वे भाग मात्र घटता अन्य ही स्थितिबंध होता है। ये तो जैसे चल रहा था वो भी यहाँ पर भी चल रहा है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। अब ये विशेषता यहाँ शुरू होने वाली है, उसको देखते हैं जरा। पुनश्च यहाँ ही अप्रशस्त उपशम निधत्य और निकाचना, यह ऐसे कर्म है डरावते हैं सबको, है ना। किसी कर्म का नाम है ये? कौन सा कर्म का नाम है? देखो क्या कहते हैं, अप्रशस्त उपशम निधत्ति और निकाचना, इन तीन कर्णों की विच्छित्ति होती है। यानी ऐसी जो कर्म की अवस्था है, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं उसके ये नाम दे जाते हैं, उसका क्या स्वरूप है उसको देखेंगे हम। अब सर्व ही कर्म उदय संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण करने के योग्य हुए। अभी उसके लिए जरा पीठिका का पेज नंबर 20 निकालिए। ये क्या होते हैं, निधत्ति निकाचना वगैरह वगैरह? तो लब्धिसार भूमिका जो लिखा है वहाँ का पेज नंबर 20 आपको निकालना है। उसके पहले देखो 11 पेज भी निकालो जरा सामने, बाद में हम 20 पेज पर चले जाएंगे। लब्धिसार भूमिका पेज नंबर 11, वहाँ क्या लिखते हैं, जो एक 5-6 लाइन के बाद पैराग्राफ है, कर्मों की 10 अवस्थाएं। ये 10 अलग अलग अवस्थाएं जो कर्मों की है वो कौन कौन सी है? तो बंध, हमने देखे थे 4 प्रकार का बंध होता है, तो हमने देखा। और बंधने के बाद वो सत्ता में पड़ा रहता है, उसको कहेंगे सत्व, यानी सत्ता के कर्मों को कहेंगे सत्व। उसके बाद कहेंगे उदय, जब उसकी स्थिति पूरी होती है तो वो उदय में आते हैं यानी खिर जाते हैं, उसको कहेंगे वो कर्मों का उदय, यानी कर्मों का निमित्तपना, जिसको हम कहते हैं कर्म ने फल दिया। वो कब बनता है? जो परमाणु जीव को छोड़कर यानी अकर्म रूप होते हैं तब उसका उदय होता है ऐसा कहते हैं, और तभी उसका फल मिलता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति जिसने बांधी है, हमने देखा ना अभी वो श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध यहाँ शुरू हो, क्षायिक समय दृष्टि हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और अभी पहले नरक में है, तो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी है तो भले शांति से आराम से बैठे होगे क्या? नारकी जैसे परिणाम चलते होंगे वहाँ पर। वहाँ पर भी हर समय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? क्योंकि एक बार बंध पे चालू होता है तो कभी रुकता नहीं बीच में। हाँ, जो दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले के अंतर्मूर्त मरण के पहले रुकता है मिथ्यात्व में जाकर, उसके बाद छोड़ दो। अदरवाइज जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है वो हर समय कर रहा है, भले यहाँ से देव में जाएगा, देव से वापस मनुष्य में आएगा, 8वें गुणस्थान तक हर समय कर रहेगा। अभी हमने बंध की विच्छित्ति में देखे ना, तीर्थंकर प्रकृति के बंध की विच्छित्ति 8वें में होती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं
कि उसकी जो उदय जो है, उदय का उसका फल मिलता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होता है मालूम है? 13वें गुणस्थान, तब जाके उनके जो समोचरण की रचना, उनका दिव्य ध्वनि खिलना आदि बातें वहाँ हो जाएगी उसके उदय के काल में। उदीर्णा किसको कहते हैं? अभी हमने जो देखा था यहाँ बोर्ड पर कि उदयावली में जो ऊपर के परमाणु उदयावली में आके मिलते हैं स्थिति घटकर, और वो उदय के साथ उसके साथ उदय में आते हैं, उसको कहेंगे उदीर्णा। उत्कर्षण का अर्थ क्या है? नीचे के निषेकों में, नीचे के निषेक जब कहते हैं तो उदयावली के अंदर जो निषेक है वो ऊपर नहीं जा सकते, वो परमाणु ऊपर नहीं जा सकते, पर उसके उदयावली के ऊपर वाले जो है उसमें से कुछ परमाणु नए बंध के साथ उसकी स्थिति बढ़ती है, उसको कहेंगे उत्कर्षण। अपकर्षण में क्या देखा था? यहाँ कोई बंध की आवश्यकता नहीं है, परमाणुओं की स्थिति घटकर नीचे के निषेकों में आ मिलना, उसको कहेंगे अपकर्षण। सामान्य से अपकर्षण होने ने ऊपर के निषेकों में कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ जाना। संक्रमण का अर्थ क्या देखा था? यहाँ गुण संक्रमण की बात नहीं, केवल संक्रमण इतना ही कह रहे हैं। सजाती अन्य प्रकृति रूप होना, उसको कहेंगे संक्रमण। उपशम का अर्थ क्या है? ये देखो यहाँ जो उपशम जो कहे ना, ये कर्म की अवस्था में जो उपशम कहा है, और जो औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र होता है वो बात अलग है। यहाँ जो उपशम यानी उपशम करण बता रहे उसका अर्थ अलग है, उसकी बात हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर नौवा है निधत्ति और निकाचना। तो ये उपशम, निधत्ति और निकाचना क्या है उसकी बात हम यहाँ देखने जा रहे हैं। देखो उसके लिए अभी पेज नंबर निकालना है 20, नीचे का पैराग्राफ। वो संक्रमण के बहुत प्रकार बताए, उसका वो हमारा विषय नहीं है यहाँ का, वो कर्मकांड का विषय है, इसलिए हम यहाँ जो हमें लगता है उसको हम यहाँ देखते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, पुनश्च विवक्षित प्रकृति के, विवक्षित यानी जिस किसी प्रकृति की बात कर रहे हैं, उदयावली के बाह्य निषेकों के परमाणु जो उदयावली में प्राप्त करने योग्य न हो उसको उपशांत द्रव्य कहते। क्या कहना चाहते? अभी हमने देखा था कुछ परमाणुओं का अपकर्षण होता है, तो कुछ अपकर्षण होकर उदयावली के ऊपर जाके मिलते हैं और कुछ उदयावली में भी आके मिलते हैं। जो उदयावली में मिलते हैं उसका निश्चित रूप से जल्दी उदय में आएंगे ही आएंगे, परंतु ऊपर के निषेकों में से कुछ निषेक ऐसे, कुछ निषेक नहीं, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं उसका अपकर्षण तो हो सकता है, उत्कर्षण तो हो सकता है, संक्रमण तो हो सकता है, पर उदीर्णा होकर उदय नहीं हो सकता, उसको क्या कहेंगे? उसको उपशम। देखो यहाँ उपशम विधान से मोह का उपशम करते उसका ग्रहण नहीं करना है, उसको नहीं समझना। यहाँ जब हमने मोह का उपशम करते हैं, चारित्र मोह का या दर्शन मोह का, तो उसमें वो अंतर किया जाता है और अंतर के ऊपर के परमाणुओं को उपशमित किया जाता है, कुछ काल तक दबे हुए रखना रचा यानी रखा जाता है, उसकी बात यहाँ नहीं समझना। यहाँ ऐसे कुछ परमाणु होते हैं कि वो बस उदयावली में प्रवेश करके उदीर्णा होकर उदय में नहीं आ सकते, जब उनका निषेक क्रम से उदय में आएगा तब उदय में आ सकते हैं। उदय में नहीं आते उदीर्णा होकर अर्थ क्या है? अपना निषेक छोड़कर वो परमाणु जल्दी उदीर्णा होकर उदय में आवे, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि ये तो उपशांतकरण इसको कहते हैं, और ऐसे परमाणु, कुछ परमाणु ऐसे पाए जाते हैं कि वो उदीर्णा होकर उदय में नहीं आ सकते, बस उसी को कहेंगे ये उपशमकरण वाले हैं। उपशांतकरण सर्व प्रकृतियों के पाए जाता है, ये समझ में आई बात? इसको कहेंगे उपशांतकरण। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कि वो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, नीचे उदीर्णा होकर उदयावली में प्रवेश नहीं करेंगे, तो ये जो उपशमपना है कुछ परमाणुओं का, वो यहाँ अनिवृत्तिकरण के परिणामों के कारण नष्ट हो जाता है, यानी वो अभी उदयावली में आकर उदीर्णा होकर खिर सकते हैं, ये उसका अर्थ है। उपशांतपना नष्ट होता है ने क्या होता है? वो अभी उदीर्णा होकर जल्दी उदय में आकर फिर सकते हैं, एक बात। दूसरी क्या बात होती है यहाँ से, तीसरी लाइन 21 पेज पर, विवक्षित प्रकृति के जो परमाणु, केवल परमाणु की बात है, कोई भी कर्म निधत्ति निकाचित नहीं होता,
लोग क्या कहते, अरे निधत्ति निकाचित का बंद होगा, अरे सभी कर्मों में ऐसे परमाणु पड़े हैं, ये कोई पर्टिकुलर प्रकृति का नाम निधत्ति निकाचित नहीं होता है। कुछ परमाणु प्रत्येक निषेक में ऐसे होते हैं जिनका अप एंड डाउन, अब उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है, संक्रमण आदि होता है, उदीर्णा भी होते रहते हैं, पर कुछ परमाणु ऐसे अड़ेल है, कुछ ऐसे है कि अपकर्षण उत्कर्षण तो करेंगे, संक्रमण करेंगे, उदीर्णा नहीं करेंगे। अब ये निधत्ति वाले कैसे है, तो कहते हैं जो परमाणु संक्रमण होने और उदयावली में प्राप्त होने के योग्य न। अब वो पहले वाले केवल उपशम वाले थे तो उदीर्णा नहीं होती थी पर संक्रमण होता था। अब ये परमाणु कैसे है और ज़्यादा अड़ेल है, उदीर्णा तो होगी नहीं, संक्रमण भी नहीं होगा, अपने निषेक में ही जहाँ केवल उत्कर्षण अपकर्षण के योग्य है। अब और क्या है, निकाचना वाले भी है, वो कैसे है, विवक्षित प्रकृति के जो परमाणु संक्रमण होने, उदयावली में प्राप्त होने और उत्कर्षण अपकर्षण होने योग्य न हो, वो निकाचना द्रव्य। जो परमाणु का नाम निकाचना या निधत्ति है, परमाणु ये कैसे है, बिल्कुल अपना निषेक छोड़ेंगे ही नहीं, ना उनका अपकर्षण होगा, ना उनका उत्कर्षण होगा, ना उनका संक्रमण होगा और ना उनकी उदीर्णा होकर जल्दी उदय में आ गई, क्या होगा, अरे अपने जगह बने रहेंगे, जब वो निषेक क्रम से उदय में आएगा तब आ जाएंगे, तो आने दो ना, हमारा आपका क्या जाता है। अगर वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, नीचे नहीं आएंगे, तो स्थिति कांड घात कैसे होगे, ख्याल में आती है बात। और भी जो अन्य प्रोसेसेस है, अधिक उदीर्णा होना, अधिक ये जो सभी वो बातें उसमें घटित नहीं होती है। तो ये जो निधत्तिपना, निकाचनापना और उपशमपना जो है, वो अनिवृत्तिकरण परिणाम के कारण नष्ट हो जाता है। यानी अभी उसमें सभी परमाणुओं में सभी योग्यताएं आ जाती। आपने यहाँ पर ऐसा कहा कि इन तीन करणों की तो विच्युति होती है, तो मतलब कि ये तीन तो नौवे गुण स्थान तक देखा जाएगा, उपशम करण नौवे गुण स्थान तक पहले समय में, पहले समय। और यहाँ जो कौन सा, अभी हम बिछुड़ने के बाद वाली बात है, यहाँ लिया पहले समय में अभी नष्ट होते, यानी ये करण नष्ट हुए, यानी सभी परमाणुओं में ये सभी योग्यता आ जाती है। निधत्ति पना नष्ट हुआ पहले समय से, यानी क्या हुआ, अब वो संक्रमित भी होने लगे, अपकर्षण भी होने लगे, हाँ उदीर्णा भी होने लगे, ये बात होने लगी। आठ तक घटित करना, हाँ आठ, आठवीं के अंतिम समय तक ये है, नवे के पहले समय से ही ये निधत्ति निकाचित पना नष्ट हो जाता है। इसी को शास्त्र में धवला में भी वगैरह कहते हैं, जिन बिंब दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसका अर्थ है जिन बिंब दर्शन कब कहेंगे, भगवान का दर्शन कर दिया तब, हा? क्यों नमस्कार कब कहेंगे, भगवान का नमस्कार, वहीं पर नमो जिनानम का अर्थ करते हुए धवला में ही ये बात बताई है कि नमस्कार भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। ऐसा होता है क्या, हमने तो केवल ऐसा ही सुना था कि भगवान को नमस्कार करना है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, नमन चरण हो जाएगा, हाँ नमस्कार हो गया, उसको नमस्कार नहीं कहते। कह रहे कि जिस समय आत्मा का अनुभव पूर्वक उसकी प्रतीति होती है, समय दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, तभी उसको नमस्कार कहा, हाँ तब वो निश्चय नमस्कार। और फिर भगवान के जो नमस्कार करने के जो शुभ विकल्प आ जाएंगे, उस पर व्यवहार का आरोप करेंगे, और वो शरीर का झुकना और न बोल वाणी से बोलना, वो तो द्रव्य नमस्कार में चला जाएगा, उसको व्यवहार में भी नहीं गिनेंगे। समझ में आती है बात, वो नमस्कार है, तो उसको कहेंगे जिन बिंब दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्मों का चूरा होता है। नहीं, भगवान को हमने देख लिया, हाथ जोड़ लिया, हमारी निधत्ति कर्म चले गए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी भगवान का निर्णय ही नहीं तो काहे का नमस्कार, क्योंकि ऐसे ही कर्म वहां पड़े थे, उनका स्थिति कांडघात हो गया है, ऐसा समझना। ये सब ऑटोमेटिकली ऐसी बातें होती है कि ऐसे परमाणु वो नीचे के निषेकों में पड़े रहते होंगे, अधिक ऊपर के उसमें नहीं जाते होंगे, अंत कोड़ा कोड़ी में, जिसको ध्रुव स्थिति भी कहते हैं। अभी उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसके लिए थोड़ा अधिक अभ्यास है तो उसकी चर्चा भी कर सकते हैं, है ना। हम तो बिल्कुल स्थूल मोटी मोटी बातें यहाँ,
वो भी पचाने के लिए इतनी कठिन हो रही है। तो ये 12 अंग का ज्ञान कितना होता होगा, हाँ, क्योंकि दर्शन आचार्य जब हुए तो वो तो सभी अंगों का थोड़ा थोड़ा भाग शेष रहा था, और वो भी उन्होंने अपने शिष्यों को बुद्धबलि और पुष्पदन जी को उनको सिखाया, और उन्होंने उसको लिखित रूप से रचना की। वो षटखंडागम आज जितना अवेलेबल है उतना भी किसको पढ़ने को फुर्सत है। ख्याल में आते हैं ना, तो मूल कितना होगा ये विचार करना जरा। तो ये जो हमने यहाँ देखी है निकाचित निधत्ति किसको कहना, तो ये जो 10 करणों की बात वहां बताई थी यही बात अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे। देखो पेज नंबर था हमारा 273 पर था ना, यहाँ पर भी चार्ट में जरा देख लो। देखो पूर्वोक्त 8 बातें, उसका अर्थ क्या है? जो अधकरण में 4 बातें देखी थी, अपूर्वकरण में 4+4 हुई। पहली 4 तो मालूम है, उसमें और 4 कौन सी थी? गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांड घात और अनुभाग कांड घात। ये प्लस और अनिवृत्तिकरण में आने पर और क्या शुरू हुआ है? उपशम, निधत्ति, निकाचना, इन 3 करणों की विच्छित्योतिन यहाँ नष्ट हो गए। ये 3 करण परिणाम यहाँ नष्ट हो गए, यानी निधत्तिपना चला गया, निकाचितपना चला गया, और ये उपशमपना जो उदीर्णा न होने रूप था वो भी चला गया। अभी वो तो ये बात के तो हम पुस्तक के आधार से देखेंगे। अभी हमारे 2-3 मिनट और बाकी है, इसमें कोई प्रश्न? सवनों है, बहुत अच्छा, चलो भूल गए। तो यहाँ हम देख रहे थे पेज नंबर 273 पर हमने क्या देखा था, 411 की जो टीका ना उसकी लास्ट लाइन, अब सर्व ही कर्म उदय यानी उदीर्ण होकर जो उदय चलता है, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण करने के योग्य हुए, जहाँ जो यथा योग्य वो सभी परमाणुओं में होगे। सभी कर्मों में का अर्थ क्या है? सभी परमाणुओं में ये ऐसी योग्यता हो जाएगी। पहले कुछ परमाणुओं में नहीं थी, कुछ परमाणुओं में थी। अब 412 की टीका, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में। अब यहाँ पर भी स्थिति कांड घात तो चल ही रहे, पहला स्थिति खंड है। देखो अनेक जीव जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, भूतकाल में किया होगा, अभी या भविष्य में करेंगे, तो यहाँ का जो पहला स्थिति कांड घात है यानी स्थिति खंड का जो आयाम है वह तो विसदृश है। विसदृश ने असमान है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। नाना जीव ने अनेक जीवों के समान नहीं है, परंतु द्वितीयादि स्थितिखंड समान काल में सर्व जीवों के समान है। अभी स्थितिकांड का आयाम भी उतना ही होगा, उसके लिए जो समय लगता है अंतर्मूर्त काल वो भी हर एक के लिए समान होगा, और जो स्थिति शेष रहती है वो भी सबकी समान होगी, अभी उसमें कोई अंतर नहीं होगा। और क्या कहते हैं, अनिवृत्तिकरण मानकर जिनके समान काल हुआ हो उनके द्वितीयादि स्थिति कांडकों के आयाम का प्रमाण परस्पर समान जान। पहले कांडक में भेद था क्योंकि स्थिति हीनादिक के साथ उसने श्रेणी मानना शुरू की थी। अब अनिवृत्तिकरण का जो पहला स्थिति कांडक है वो ऐसा हीनादिक होगा कि सबकी स्थिति इक्वल हो जाएगी, सब जीवों के सभी कर्मों की स्थिति, अभी आयु को छोड़ना यहाँ पर, आयु बाकी कर्मों की स्थिति सबकी समान हो जाएगी। अभी उसमें भी कोई स्थिति खंड जो है, किसी का संपल्ले के संख्यात्व भाग है तो किसी का थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जितना स्थिति सत्व है उसके प्रोपोर्शन में वहाँ का स्थिति बंद हो जाएगा। अब नीचे का पैराग्राफ देखते हैं, 274 में 414 की टीका, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में पहले स्थितिबंध अंत कोड़ा कोड़ी सागर यानी पृथकत्व लक्ष्य कोड़ी सागर प्रमाण था। अब वो अनिवृत्तिकरण में आने पर क्या होता है वो बताएंगे। वह अपूर्वकरण में हुए संख्यात हजार स्थितिबंधापसरणों द्वारा घटते घटते पृथकत्व हजार सागर हुआ। पहले कितना था? कुछ लाख सागर था,
मान लेते ना 80 लाख करोड़ वगैरह वगैरह था ना, कोड़ी लिया ना, अभी कितना हो जाएगा, कुछ हजार सागर हो जाता था। पहले स्थिति सत्व अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण था, अभी हमारी भाषा में इतना ही समझना है कि वो घटते चला जा रहा है, स्थिति बंद भी घटते चला जा रहा है, स्थिति सत्व भी घटते घटते चला जा रहा है। स्थिति सत्व काहे से घट रहे हैं, स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति सत्व घटता है, और स्थिति बंधापसरण के द्वारा स्थिति बंध घटता चला जाता है। वो हरे हर स्टेज पर कितना कितना होता है उसके बाद बताएंगे। पहले अंत कोड़ा कोड़ी सागर था, फिर कुछ लाख सागर होगा, फिर कुछ हजार करोड़ सागर, इस तरह से वो घटते चला जाता है। देखो अभी यहाँ का गुणश्रेणी आयाम कितना होगा, हाँ इतना बात करो, क्योंकि अभी अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आया है, तो पहले कितनी गुणश्रेणी बनाई थी उसने, आठवा प्लस नौवा प्लस दसवा प्लस बारवा प्लस और थोड़ा, अभी उसमें से कितना चल गया, आठवें का काल। देखो आठवें का बड़ा होता है, उससे संख्यात्वे भाग, नौवें का होता है उससे दसवें का छोटा, उससे बारहवें का छोटा होता है काल पूरा। तो कहते अभी आठवें का काल तो चला गया, अभी उर्वरित कितना है, नौवें का दसवें का बारहवें का और प्लस थोड़ा। तो यहाँ कहते देखो 414 नीचे से तीसरी लाइन टीका की, गुणश्रेणी आयाम, गुणश्रेणी की बात है, यहाँ अपूर्वकरण काल व्यतीत होने के पश्चात जो अवशेष रहा उतना जानना, समझ में, गलितावशेष कहा था उसको। और क्या होता है, प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम सहित पूर्ववत गुणश्रेणी और गुण संक्रमण होता है, यानी पहले जो अपकर्षण होता था उससे असंख्यात गुणा परमाणुओं का अपकर्षण यहाँ हो रहा है, और गुणश्रेणी भी गलित अवशेष है, वो तो एक एक निषेक कम हो रहा है, तो जो बचे हुए निषेकों में अधिक द्रव्य दिया जा रहा है, जब वो उदय में आएगा तो और निर्जरा बढ़ जाएगी उसके। अब स्थिति बंधापसरण का क्रम कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम स्थिति बंधापसरण का क्रम यहाँ बता देंगे कि बंध कैसे कैसे घटता था। पहले कितना हमने देखा था, अंत कोड़ा कोड़ी सागर से घटते 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 हर बार कितना घटा, तो पल्ले का संख्यात भाग, पल्ले का संख्यात भाग, इस तरह घटते ही चला जाता है। तो यहाँ पढ़ते हैं 275 पृष्ठ पर, इस तरह प्रथम समय में पूर्वोक्त अनुक्रम सहित एक स्थिति बंधापसरण करके स्थितिबंध घटने से एक स्थितिबंध होता है, यानी वो कितने काल तक चलेगा, अंतर्मुहूर्त तक। ऐसे कितने बार घटेगा और फिर उतना घटेगा और उतना घटेगा और उतना, तो कहते संख्यात हजार बार। अभी हर बार वो संख्यात हजार बार, संख्यात हजार बार, संख्यात हजार बार कह रहे, तो ऐसे संख्यात हजार स्थितिबंध होने पर अनिवृत्तिकरण के काल के संख्यात भागों में से बहुभाग व्यतीत होने पर एक भाग अवशेष रहता है, वहाँ असंगी पंचेंद्रिय के समान स्थितिबंध होता है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, अभी स्थितिबंध घटते 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 चला गया था, और अभी हमने यहाँ देखा था कि घटते घटते पृथक्त्व हजार सागर हुआ था, कुछ हजार सागर कहते हैं, वो भी यानी वो कितना हुआ, अभी असंगी पंचेंद्रिय के समान, हाँ तो 1000 किसका होगा। देखो यह मिथ्या तो नहीं बन रहा है ना, परंतु संज्वलन बन रहा है, तो 40 ये वाला मोह है ना, संज्वलन बन रहा है, परंतु यहाँ जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी के लिए हजार सागर, तो 30 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना होगा, 3/7, हजार सागर का 3/7, यहाँ इसको कहेंगे कुछ हजार सागर का बंध हो रहा है, समझ में आती है बात। देखो जहाँ मिथ्यात्व का बंध, जहाँ 1000 सागर होगा, किसको, असंगी पंचेंद्रियों को उत्कृष्ट, तो ज्ञानावरण का कितना होगा, तो 70 कोड़ा कोड़ी के इक्वलाइज 1000 सागर, तो 30 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना होगा, इक्वेशन करना उसका, त्रैराशिक जिसको कहेंगे, तो 30/70 होगा यानी 3/7 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 सागर, इतना तो ज्ञानावरण, जो तीसीय कर्म है उतना होगा, समझ में आती बात, और बीसीय तो 2/7 उसका,
इस तरह से उसका समझना। तो जब कहते हैं कि असंगी समान बंध होगा, तो उसका जो प्रोपोर्शन है नाम गोत्र का और ज्ञान वर्ण आदि का और मोह का, वो उसी प्रोपोर्शन में होगा। उसका अल्प होगा उससे डेढ़ गुना, उसका दो गुना, इस तरह से उसका बंध होगा। वहाँ हजार सागर के चार सप्तमांश किसके लिए? मोहनी के लिए। मोहनी यानी चारित्र मोहनी बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? संज्वलन बन रहा है, पुरुष वेद बन रहा है, हास्यरति बन रहा है। समझ में आती है ना? वो तो अभी नवे में आए ना, हास्यरति नहीं बन रहा। एक पुरुष वेद और चार संज्वलन ही बन रहे हैं, वो तो उसकी विच्छुत्ति हो गई बंध की, अब नहीं बन रहा है। तो जो बन रहे हैं उसको क्या कहेंगे? चालीसी कहेंगे। तो उसको चार सप्तमांश बंधेगा। और तीन सप्तमांश भाग किसका? तिसीय। तिसीय कौन कौन से है? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है और वेदनीय है। और दो सप्तमांश किसका? नाम और गोत्र का। नाम की एक यशस् कीर्ति बन रही है और गोत्र का उच्च गोत्र बन रहा है, ख्याल में आते हैं? उसका इतना होगा। 40, 30, 20 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति की अपेक्षा चारित्र मोहनीय का नाम चालीसीय, ज्ञानावरणादि चार का नाम तिसीय और नाम गोत्र का नाम बीसीय जानना। अभी हर बार उसका नाम नहीं लेंगे, बीसीय तिसीय कहेंगे। अब ये स्थिति बंध का घटना हो रहा है, हर बार पल्ले का संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग घटते घटते अब हजार सागर के तीन सप्तमांश से लेकर या चार सप्तमांश से लेकर अभी कैसे होगा? चतुरिंद्रिय के बंध के समान होगा। तो चतुरिंद्रिय में क्या बंध होता है? सौ सागर का अनुपात, वो यानी उसके चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश और दो सप्तमांश देना, मोह का और बाकी तीसीय का और बीसीय का। तो फिर चतुरिंद्रिय के समान हो जाएगा, फिर और घटते चले जाएगा। तो देखो कितने बार घटना चाहिए, हजार सागर के अनुपात से लेकर सौ सागर के अनुपात में नहीं, पल्ले का संख्यात्वा भाग कितनी बार चला जाएगा? एक सागर भी घटता है तो एक सागर में तो दस कोड़ा कोड़ी तो पल्ले होते हैं, और संख्यात्वा भाग जो कहेंगे मान लेते चौथा भी भाग, तो चार बार बंधापसरण होगा तो एक पल्ले घटेगा, और चालीस कोड़ा कोड़ी बार होगा तब जाके एक सागर घटेगा। तो कितने बार स्थिति बंधापसरण होता होगा आप इमेजिन कर सकते हैं? उसको कहा संख्यात हजार बार। और केवल एक सागर नहीं घट रहा है, बहुत सारा घट रहा है। तो ऐसा स्थिति बंध घटते 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 अब तीन रे के समान होगा, यानी कितना होगा? पचास सागर का चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश, दो सप्तमांश। फिर द्विंद्रिय के समान यानी पच्चीस सागर का चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश, दो सप्तमांश। यहाँ तक बात ख्याल में आ रही? उसके बाद एक केंद्रीय के समान, एक केंद्रीय में एक सागर का चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश और दो सप्तमांश, उसका अनुपात वही रहेगा। तो इसको कहते उसके समान इनका स्थितिबंध घटते चला जाएगा। तो देखो यहाँ हम फिरते 275 पेज पर, ये वो त्रैराशिक कैसे करना, उसका उत्तर कैसा निकालना, वही बात यहाँ है। देखो ये जो स्थिति बंधापसरण का जो ये बात है ना, वो 275 हमने पढ़ी थी, तो उसके लास्ट में हम देखते 276 पेज पर, एकेंद्रिय के समान स्थितिबंध के पश्चात। एकेंद्रिय का कितना हुआ? सागर का चार सप्तमांश, तीन सप्तमांश। अभी और भी घटेगा आगे, तो और घटते घटते कहाँ तक पहुँचेगा? तो संख्यात हजार स्थितिबंध होने पर, संख्यात हजार स्थितिबंध का अर्थ संख्यात हजार बार अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में स्थितिबंध घटते घटते अब कहाँ तक पहुँचेगा? सबसे कम स्थितिबंध किसका होता है? नाम गोत्र का, बीसी का। वो पहले पहुँचे तक पल्ले तक पहुँचेगा। जब बीसीय का पल्ले प्रमाण होगा तो तीसीय का कितना होगा? डेढ़ पल्ले। और चालीसी का? दो पल्ले। समझ में आती है? नाम गोत्र का पल्ले प्रमाण पहुँचा तब डेढ़ गुना यानी डेढ़ पल्ले किसका होगा?
तीसरे का 20 से 30 डेढ़ गुना है और 20 से 40 दो गुना है। तो पल्ल्य प्रमाण, डेढ़ पल्ल्य प्रमाण और दो पल्ल्य प्रमाण, यहाँ तक बात ख्याल में आई। पल्ल्य के बाद अभी उसका जो बंधापसरण का प्रमाण बदल जाएगा, ये कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पढ़ते हैं, तो उसका स्थितिबंध कितना होता है, बीसीय का एक पल्य, तीसीय का डेढ़ पल्य, मोहनीय का दो पल्य मात्र स्थितिबंध होता है। यहाँ तक बात ख्याल में आई। स्थितिबंध घटते घटते हमने देखा था कितने, तो कोड़ा कोड़ी सागर, फिर लाख करोड़ सागर, फिर और कुछ हजार करोड़ सागर, ऐसे घटते 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 अभी कहाँ तक पहुँच गया है, पल्य, डेढ़ पल्य और दो पल्य तक पहुँच गया। इतना वो स्थितिबंध कटौती होते होते यहाँ तक पहुँचा है। अब आगे कहते हैं, उस काल में 418 की टीका, कर्मों का स्थिति सत्व, सत्व की बात है। अब जो बंध का घटना देखा तो बंध की बात थी, अब सत्ता में कर्मा, सत्ता में कितनी सत्ता है, उसकी स्थिति पड़ी है, तो स्थिति सत्व पृथक्त्व लक्ष्य सागर प्रमाण होता है। कुछ लाख सागर वो क्यों कटा, इतना घटा कैसे, तो स्थिति कांड घात के द्वारा, तो वो पृथक्त्व लाख सागर हो गया, यानी कुछ लाख सागर। वह अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति सत्व से संख्यात गुणाहीन जाना, संख्यात गुणाहीन का अर्थ है उसका संख्यात्वे भाग प्रमाण शेष रहता है। अनिवृत्तिकरण के स्टार्टिंग में जितना स्थिति सत्व था, वहाँ तो हजारों बार स्थिति कांड घात होते होते यहाँ पर उसका स्थिति सत्व, उसका संख्यात्वे भाग प्रमाण शेष रह गया है। सर्वत्र ऐसा जानना कि, अभी क्या लिखा है वो महत्व की बात है, स्थितिबंधापसरणों द्वारा स्थितिबंध घटता है, यानी स्थितिबंध का घटना कैसे होते, स्थितिबंधापसरण के द्वारा, अपसरण होना यानी घटना, तो स्थितिबंधापसरण के द्वारा स्थितिबंध घटता चला जाता है और स्थिति कांडकों के द्वारा स्थिति सत्व घटता है। सत्ता में जो स्थिति पड़ी है कर्मों की, वो कैसे कट डाउन होती है, कैसे घटती है, तो कांडक घात, तो स्थिति कांडक के घात के द्वारा स्थिति सत्व घटता चला जाता है। तो यहाँ सत्व भी घट रहा है और बंध भी घट रहा है। उपशम श्रेणी में सत्व इतना नहीं घटता है, यहाँ तो सत्व का स्थिति सत्व घटना बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। अभी उसमें जो कुछ कहाँ कितना घटता है उसकी भी विशेषता है और उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, अभी इस पर कोई प्रश्न है यहाँ तक तो पूछना। स्टार्टिंग से जो स्थिति कांड घात हुआ था, उसका आयाम सभी कर्म प्रकृतियों के लिए सेम ही है कि मोहनी के लिए अधिक? ना ना, आपका प्रश्न ऐसा है कि कांडक का आयाम सभी कर्मों के लिए सेम है, नहीं, सभी कर्मों की अपनी अपनी जो स्थिति है उस प्रपोर्शन में उसका कांडक भी छोटा बड़ा होता है, पर प्रपोर्शन उनका अंत में वही रहेगा। हाँ, बीसीए तीसीए अभी तक वैसा ही चल रहा है अभी तक, क्यों अभी तक, उसमें बहुत उलट पुलट होने वाला है। अभी तो बीसीय, तीसीय और चालीसीय ये प्रोपोर्शन चल रहा है, उसके आगे कुछ परिवर्तन होने वाला है, वो कहाँ पर जाके परिवर्तन होने वाला है वो सब देखेंगे, वो आगे की जो प्रोसेस है उसमें वो सब बातें बताएंगे। अभी तक तो प्रोपोर्शन है, वो जब प्रोपोर्शन बदलेगा तब कहेंगे कौन सा क्या कहाँ चला जाता है, कौन सा कितने गुना हो जाता है, समझ में है? वो बात अभी कल सुबह, आज तो अभी इतना ही आज पर्याप्त है ना, बहुत हो गया ना, आज अच्छी नींद आने वाली। तो अभी हम यहाँ रुकेंगे और यहाँ अंतिम आज का है, तो यहाँ हम जिनवानी की स्तुति भी कहेंगे, इसके बाद सुबह से 6 हो गए ना अपने, बोलो 2400 भगवान की जय।